बुधवार से शुरू होने जा रहे नवरात्रों के लिए रामनगरी अयोध्या में खास तैयारियां की जा रही हैं। रामलला की स्पेशल ड्रेस भी तैयार हो रही है। नवरात्रि का पहला दिन बुधवार पड़ रहा है, लिहाजा पहले दिन रामलला हरी पोशाक में दर्शन देंगे। प्रथम दिन है, बुध दिन पड़ रहा है, उसके लिए हरा पोशाक तैयार किए हैं, वो आज पहुँचा देंगे, जो कि कल धारण होगा। हरा पोशाक ही पहनेंगे, उसमें पीले रंग का कपड़ा है, फूल बूटियों से कढ़ा हुआ है और बढ़िया अच्छे ढंग से लैस लगे हैं, जिससे कि सुंदर सुशोभित हो, कि दूर दराज के लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, कम से कम भगवान रामलला का दर्शन करें तो ये भी रहे कि हाँ, हम रामलला का दर्शन करने गए हैं। और अब ये आखिरी दर्शन है, फिर अगले भव्य मंदिर में दर्शन करने का इंतजार लोग करेंगे। दर्शकों से रामलला की पोशाक तैयार करने वाले शंकर लाल ने बताया कि हर दिन के हिसाब से रामलला की अलग पोशाक तैयार की गई है। 7 दिन का 7 पोशाक होता है। पहला तो सोमवार को सफेद पोशाक, मंगलवार को लाल पोशाक, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को क्रीम और शनिवार को नीला, रविवार को गुलाबी। 7 दिन का 7 पोशाक बनता है और ठाकुर जी को धारण दिन के हिसाब से धारण होता है। जन्म उत्सव के समय पीला पोशाक धारण होता है, दिन चाहे जो पड़े, दिन के हिसाब से नहीं, वो शुभ काम होता है, शुभ काम में पीला ही धारण करते हैं ठाकुर जी, और इसमें पीला पोशाक बन रहा है। राम नवमी का त्यौहार 30 मार्च को मनाया जाएगा, उसके लिए भी खास तैयारी की गई है। उनको 56 भोग लगेगा, प्रसाद बटेगा, जन्मोत्सव मनाया जाएगा, परवा से जो है वो जन्मोत्सव समेत खेलकूद और उस दिन मैराथन दौड़ होगी। नवमी के दिन पूरा 9 दिन का कार्यक्रम है, वो जन्मोत्सव समेत ने उसको तैयार किया है, वो पूरा कल प्रारंभ हो जाएगा। रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने बताया कि इस बार राम नवमी का कार्यक्रम बहुत भव्य होगा। किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं आवे, इसलिए रामलला को ऐसा मनाया जाए कि यह यादगार रहे कि हाँ, अस्थाई मंदिर में भी रामलला का जो जन्मोत्सव मनाया गया था वो बहुत ही दिव्य और भव्य रहा। नवरात्रि के 9 दिनों में रामलला मंदिर में खास रौनक रहेगी। रामनवमी के मौके पर खास कार्यक्रम भी होंगे, जिनके गवाह लाखों राम भक्त बनेंगे।